गुड मॉर्निंग टू ऑल। पूर्व के वीडियो में हमने जो जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में रेड डेटा बुक IUCN और भारत के अंदर जो कानूनी प्रावधान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के ऊपर चर्चा की, आज हम प्रैक्टिकली उन उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसके अंदर इन वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। उससे पूर्व में जिस तरह से आपको पूर्व में भी मैंने बताया कि 1992 के अंदर जब अर्थ समिट हुई, वहाँ पर जो जैव विविधता के संरक्षण के संदर्भ के अंदर समझौते को हस्ताक्षरित किया गया और वहाँ पर जो जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को वहाँ पर उस समझौते के अंदर स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। भारत के संदर्भ में बात करें तो 18 फरवरी 1994 के अंदर भारत ने जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसका अनुसमर्थन किया और उसके जो इस कन्वेंशन के जो उपबंध थे उनको प्रभावी रूप से भारत के अंदर क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से 2002 के अंदर जैव विविधता अधिनियम को हम लेके आए। साथ ही इस जैव विविधता अधिनियम के अंदर जो प्रोविजन्स थे, या हम ये कहें कि 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान की हमने तैयारी की और 2014 के अंदर जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान था में जैव विविधता संबंधी जो नेशनल हमने जो लक्ष्य रखे थे, जो टारगेट्स रखे थे, उन 20 राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए एक परिशिष्ट को भी यहाँ पर जोड़ा गया। अब यहाँ इन फैक्चुअल चीज़ों के साथ साथ कि हम व्यवहारिक धरातल पर इन वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए क्या उपाय हम करते हैं, तो दो तरह के जो प्रोविजंस इन जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में किए गए हैं, एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इस दोनों विषय के ऊपर कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं और ex-situ जो कंजर्वेशन जो होता है उसके अंदर किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं, तो बहुविकल्पी जो सवाल होते हैं वहाँ इनसे पूछे जाते हैं। और वैसे भी बड़े जो सवाल होते हैं जीव संरक्षण के क्या उपाय होने चाहिए, उस संदर्भ में भी ये बड़ा उपयोगी है। जब हम स्वस्थानीय संरक्षण की बात करते हैं, in-situ कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये उन प्राकृतिक आवास के अंदर जो वन्य जीव वनस्पति उनके संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को यहाँ शामिल किया जाता है। जब हम बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ जो उनका प्राकृतिक आवास है वहाँ पर उनके संरक्षण ना करके किसी लैब के अंदर या किसी छोटे स्पेस के अंदर उनको आर्टिफिशियल रूप से उनका कंजर्वेशन का जो प्रयास किया जाता है उनको बाह्य स्थानीय जो संरक्षण है उसके अंदर हम शामिल करते हैं। जब राष्ट्रीय उद्यान, इसके संदर्भ में एक बात हम पहले बताना चाहूँगा कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं उसकी हम बात करें, ये एक बड़ी प्रचलित विधि होती है और इसके अंदर उनका जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है वहीं पर जो वन्य जीव और वनस्पति होती है उनके संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं। इसमें कई प्रजातियों का संरक्षण एक साथ किया जा सकता है, इसमें किसी स्पेसिफिक टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसको उनके प्राकृतिक आवास के अंदर ही संरक्षण के प्रावधान किए जाते हैं इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर। जब हम ex-situ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो प्राकृतिक आवासों का पूरी तरह विखंडन हो चुका होता है, कई कारण मैन मेड कारण भी हो सकते हैं, कई बार नेचुरल जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उसके कारण भी कई बार जो जीव जंतु होती हैं उनकी प्रजातियों के ऊपर संकट की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उनको प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष या बाह्य एक संरक्षित क्षेत्र के अंदर एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू उनको संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। अब जब in-situ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके बेनिफिट सामने आपको बताएं, वैसे ही जो ex-situ जो कंजर्वेशन होता है उसका क्या है कि इस तरह की जो जनजातियाँ होती हैं उनके प्राकृतिक आवास के अंदर उनका जो संरक्षण है वो नहीं हो पाता या वो इतनी कम संख्या में होती हैं कि उसको उस वातावरण के अंदर संरक्षित रखना व्यवहारिक रूप से सही नहीं हो पाता या उस तरह के संसाधन हम अवेलेबिलिटी हुआ उन नेचुरल स्पेस में नहीं हो पाती, तब उनको बाह्य उन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए इस तरह का जो ex-situ कंजर्वेशन होता है वो ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके अंदर जो सेंसिटिव जो स्पेसीज होती हैं उनको हम भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं,
एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, या हम जो लो टेम्परेचर के अंदर प्रिजर्व रख के जो संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं उनको युग्मों को लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी उनका किया जा सकता है। तो ये एक्सीटू जो कंजर्वेशन होते हैं उसके ये बेनिफिट्स होते हैं। अब यहाँ ऐसे कौन से प्रयास हैं जो इन सीटू कंजर्वेशन में किए जाते हैं या कौन से एक्सीटू कंजर्वेशन में किए जाते हैं, तो जो नेशनल जो पार्क हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं, जैवमंडल जो आगार होते हैं, जो पवित्र उपवन व झीलें जो होती हैं, जो समुदाय आगार या संरक्षण जो आगार होते हैं, तो उन चीज़ों को हम स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर शामिल करते हैं। इनके ऊपर हमने भारत के अंदर जो संरक्षण जो क्षेत्र है उसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाए हैं, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर विस्तृत मैंने उनकी व्याख्या की है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। जब हम बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करते हैं तो इसमें हम जो लैब्स होती हैं उसमें जीन बैंक, बीज बैंक, या जैसे मैंने कहा कि लो टेम्परेचर के अंदर उनको प्रिजर्व करना, निम्न तापीय संरक्षण की बात करें, जो बॉटनिकल जो गार्डन्स होते हैं, या जो जू होते हैं, जो चिड़ियाघर जो होते हैं, जंतु उद्यान जो होते हैं, तो वहाँ पर उनको एक प्रिजर्व रखने के लिए जो एक्सीटू जो एटमॉस्फेयर दिया जाता है, जो नेचुरल जो एटमॉस्फेयर से एक लैब के अंदर उनको संरक्षण करने की कोशिश की जाती है, तो उसको हम एक्सीटू जो जू होते हैं वो नेचुरल एटमॉस्फेयर नहीं होता, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की जो संकटग्रस्त जो स्पेसीज होती हैं उनको संरक्षण करने का प्रयास यहाँ किया जाता है। तो ये एक अन्य चार्ट के अंदर भी हमने आपको यहाँ दिखाया है कि इन सीटू एक्सीटू जो प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, सेंचुरीज होगी, सेंचुरीज जो होती हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, यानी स्थलीय भागों पर हो सकती है, मराइन हो सकती हैं। जब एक्सीटू की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया सीड बैंक्स होते हैं, क्रायोस्फीयर रिजर्वेशन जो निम्न ताप के ऊपर जब उनको हम रखते हैं, फील्ड जीन बैंक्स होते हैं, स्केयर्ड प्लांट्स होते हैं, होम गार्डन्स के अंदर भी हम जो वेजिटेशंस होती है, वनस्पति जो होती है उनके स्पेसिफिक जो स्पेसीज होती हैं उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। आर्बोरेटा है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, एक्वेरिया है, उसके अंदर भी जो समुद्री कई जो स्पेसीज जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उनको वहाँ पर एक इस तरह का नेचुरल एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है जिससे कि उनको प्रिजर्व रखा जा सके। अब इन इस सारे जो वीडियोज हैं मैंने आप लोगों के साथ जैव विविधता के ऊपर संरक्षित आपके साथ शेयर किए, ये निश्चित रूप से अगर इससे आपको चाहे कॉलेज लेवल, महाविद्यालय स्तर की परीक्षाएं हों, या आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे यूजीसी नेट की एग्ज़ाम हो, या आपके विभिन्न जो स्टेट लेवल पे स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, उन सब के अंदर जो वस्तुनिष्ठ जो सवाल आपके समक्ष उपस्थित होते हैं उनका सबका समाधान यहाँ पर हो पाएगा। धन्यवाद।